दोस्तों, हम आज आपको इस प्रकार के फोटो एडिटिंग सिखाएंगे। ये फोटो एडिटिंग सीखने के लिए आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और जो हमने लिंक दिया है वहाँ से आप इसके PNG वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है। उसके बाद आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। टूल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडजस्ट में चला जाना है। उसके बाद आपको ब्राइटनेस को थोड़ा अप डाउन करके चेक कर लेना है। सिचुएशन को माइनस में लाना है, सिचुएशन को बिल्कुल माइनस में लाना है। क्लियरिटी को हल्का सा प्लस करना है। फिर आ जाएंगे हम टेम्प पे। उसके बाद हल्का टेम्प को माइनस करना है। शैडो को भी हल्का माइनस करके ह्यू को भी हल्का सा माइनस करेंगे। सिचुएशन को बिल्कुल माइनस कर देंगे 100। उसके बाद इसको हम जाएंगे इरेज पे। इरेज पे जाने के बाद आप बैकग्राउंड पर क्लिक कर दोगे। ये जो आपको हेयर के बगल में बैकग्राउंड लिखा रखा है वहाँ पर क्लिक करके आपको डन कर दोगे। इससे क्या है कि हमारे बॉडी पे से कलर चला जाएगा ब्लैक। इतना करने के बाद आपको डन कर देना। डन करने के बाद आपको ऐड फोटो पे आना है और अपना गूगल वाला PNG ऐड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गूगल वाला PNG ऐड कर लेंगे हम। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम साइज को बड़ा करेंगे। एरो पे क्लिक करके हम थोड़े से साइज को बड़ा करते हैं, कोने में सेट करते हैं बड़ी अच्छी प्रकार से। सेट करने के बाद यहाँ से कर देंगे डन। अब इसके शैडो को दोनों को 100 कर देंगे। पोजीशन पे आएंगे हम नीचे। एडजस्ट के बाद पोजीशन को छोड़ेंगे, यहाँ से ऊपर से डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो पे आएंगे। एक PNG को और ऐड करेंगे, कलर वाली PNG को। तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे अच्छी प्रकार से। नीचे आएंगे ब्लेंड पे। ब्लेंड पे आने के बाद स्किन, उसके बाद स्किन वाले पे आके इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। उसके बाद राइट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अभी देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा प्रकार से फोटो एडिट हो चुका है। इस फोटो को सेव कर लेंगे हम अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। इससे क्या है कि हमारा फेस हो जाएगा थोड़ा वाइट। यहाँ से गैलरी में सेव कर लेंगे और Lightroom एप्लीकेशन के अंदर कर लेंगे इसको ओपन। अभी हम Lightroom एप्लीकेशन के अंदर कर लिए इसको ओपन। ओपन करने के बाद आपको आना है सीधा कलर वाले ऑप्शन पे। ये भी दिख रहा है आपको कलर वा कलर में आने का। आपको वाइब्रेंस को हल्का सा प्लस करना है। वाइब्रेंस को प्लस करना है। उसके बाद आपको ऊपर ये जो गोला गोला कलर वाला बटन दिख रहा है वहाँ पर आने के बाद आपको फर्स्ट सेकंड वाले के लास्ट वाले ऑप्शन को 100 प्लस कर देना। इससे हमारा फेस वाइट हो जाएगा। इतना करने के बाद ऊपर से कर देंगे डन। डन करने के बाद अभी हम नीचे आएंगे इफेक्ट में। लाइट में आने के बाद आपको ब्लैक वाले ऑप्शन को हल्का सा प्लस कर देंगे। इससे देख सकते हैं हमारा फेस कितना अच्छी प्रकार से वाइट हो चुका है। इतना करने के बाद हम अभी इसको कर लें बैक, यानी अभी इसको दोबारा से कर लिए ओपन। ओपन करने के बाद आपको आना है इफेक्ट में। इफेक्ट में बैकनेट को आपको हल्का सा माइनस करना है। माइनस करने के बाद अभी देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा प्रकार से बढ़िया फोटो एडिट हो चुका है। उसके बाद हम एक बार और ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे, क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप तो हमारा करना नहीं है, बड़ी अच्छी ऑलरेडी क्रॉप हो चुका है बढ़िया तरीका से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।